श्री सुभाष माननीय न्यायालय श्री सुभाष जी के न्यायालय से स्पेशल पॉक्सो केस नंबर 57/19 जो रेलवे थाना द्वारा दर्ज हुआ था, उसमें एक 3.5 साल की बच्ची के साथ किडनैपिंग और उसका रेप और मर्डर तीनों चीज़ हुआ था। इसमें तीन को अभियुक्त बनाया गया था पुलिस के द्वारा, जिसमें तीनों का नाम क्रमशः जो है मोहम्मद शेख उर्फ मोनू मंडल और रिंकू शाह और एक कैलाश कुमार। और तीनों पर यहाँ पर जब ट्रायल चला तो उसमें लगभग 30 गवाही जो है अभियोजन के द्वारा इसमें प्रस्तुत की गई और काफ़ी अच्छा ढंग से गवाही हुआ था, जिसमें न्यायालय ने अभी 3-4 दिन पहले सब तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया था और आज सजा के पॉइंट पर था, जिसमें अभियोजक द्वारा ये मांग की गई थी कि चूंकि रिंकू साव जो है उसी के द्वारा एक 3.5 साल की बच्ची को अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया था और बलात्कार करने बाद उसका गला काट करके बॉडी को कहीं अलग फेंका गया था और उसके सिर को अलग कहीं फेंका गया था, और बाद में किसी तरह से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और एक गवाह के बयान के आधार पर ये उस सिर को प्राप्त किया था, बॉडी को प्राप्त किया था, और फुटेज में ये दिखाया गया था कि किस तरह से कैलाश कुमार के साथ ये रिंकू उसको गोद में लेकर के जा रहा है और एक जगह उसके साथ सोते हुए उसको पाया गया था। इस उम्मीद पर अभियोजन के द्वारा ये मांग की गई थी कि कम से कम रिंकू साव को जो है वो फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस की श्रेणी में आता है। लेकिन माननीय न्यायालय ने जो साक्ष पाया और उसके आधार पर जिन्होंने अपना सजा सुनाया वो इस प्रकार दिया कि मोहम्मद शेख को जो है वो धारा 370(2) के अंतर्गत 10 साल का सजा दिया गया और 20,000 रुपया जुर्माना, तथा 419 भादवी के अंतर्गत उसे 3 साल का सजा और 5,000 रुपया जुर्माना दिया गया। रिंकू साहब जो मेन अभियुक्त था उसको न्यायालय ने 363 में भी दोषी पाया अपहरण के केस में, और उसमें उसको 7 साल की सजा और 10,000 रुपया जुर्माना दिया। 376A के अंतर्गत आजीवन कारावास दिया गया और 376AB के भादवी के अंतर्गत उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपया का जो है फाइन इम्पोज किया गया। धारा 302 के अंतर्गत भी उसे दोषी पाया गया और उसमें भी उसे आजीवन कारावास तथा 25,000 रुपया की जुर्माना दी गई। साथ ही साथ धारा 201/34 साक्ष छुपाने के लिए में भी उसे 3 साल का सजा और 5,000 रुपया जुर्माना किया गया, तथा एक और अभियुक्त कैलाश कुमार जिसको न्यायालय के द्वारा 363 के अंतर्गत भी उसे 7 साल का सजा और 10,000 रुपया जुर्माना तथा साक्ष छुपाने के जुर्म में उसे 3 साल की सजा और 5,000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई। और ये सभी जो मैक्सिमम सजाएं हैं, जैसे रिंकू साव के लिए उसका जो आजीवन कारावास की सजा वो तब तक निर्धारित रहेगी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए, टिल डेथ तक की उसकी सजा है, और सभी सजाएं साथ साथ सब चलेंगे और सब में जो है कठोर कारावास की सजा दी गई। कहाँ चूक हुई थी कि ये तो साक्ष्य का मैटर है कि किस आधार पर न्यायालय उसको देखते हैं और किस आधार पर न्यायालय उसमें सजा कराते हैं, लेकिन अभियोजन को ये विश्वास है कि उसमें सजा और होना चाहिए, इसीलिए हम लोग अभियोजन के तरफ से उसमें और सजा बढ़ाने के लिए इसका अपील हम लोग उपायुक्त महोदय के तरफ से इसको फाइल किया करेंगे और हाईकोर्ट जाएंगे, इस मैटर को ले जाएंगे कि अगर कहीं साक्ष्य की स्क्रूटनिंग और हो जाए और इस तरह का गंभीर मामला था जिसमें सजा का क्वांटम और होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, इसके लिए हम लोग अपील दायर करेंगे। लेकिन अभी जो न्यायालय माननीय न्यायालय ने जो सजा दिया वो हमारे लिए सिरोधार्य है, उसी सजा को हम लोग मान के चलेंगे। किसकी क्या चूक है, सबके अच्छा कार्य करने की वजह से ही हम लोगों ने आज इस सफलता को प्राप्त किया है, इसलिए इसमें चूक तो किसका है और किसका है ये नहीं कहा जा सकता। कैलाश को 302 में नहीं, नहीं कैलाश को इसलिए 302 में, एक्चुअली इसके साथ उसको देखा गया था रिंकू साहब को
सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था और रिंकू साव के घर में कैलाश का गमछा मिला था, जिसके आधार पर हम लोगों ने उसको उसके कॉन्सिप्रेसी में लाने को कोशिश किए थे कि ये 120 बी में भी इसको लाया जाए, ताकि वो कैलाश कुमार रिंकू साव के साथ थे और दोनों की मिली भगत थी। लेकिन न्यायालय ने जो साक्ष्य पाया वो सबसे बड़ा सर्वोपरि वही आधार होता है किसी भी केस के निर्णय का। इसका साक्ष्य नहीं आता कैलाश का उस हत्याकांड में, मतलब मर्डर करने में या दुष्कर्म करने में? नहीं, दुष्कर्म में उसको साक्ष्य नहीं देखा गया था और न तो उसको हत्या करने के रूप में उसको देखा गया था, लेकिन इनके साथ रिंकू साव के साथ उसको देखा गया था और उसकी संलिप्तता को हम लोग माना था, क्योंकि कैलाश कुमार का गमछा जो है वो मिला था रिंकू साव के घर था, ये हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज में दोनों को साथ साथ जाते हुए देखा।